नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल रिपोर्ट के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, हम करने जा रहे हैं अपने एक साल का पूरा करंट अफेयर का जो सेशन है, सीरीज जो है उसे लेके चल रहे हैं, जो आपके आरएएस 2021 के लिए है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम एक साल के अंदर जो भी हमारे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आरएएस 2021 में आपको देखने को मिल सकते हैं, उन्हें यहाँ पे इस सीरीज के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो चलिए बात बढ़ाते हैं, सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था और वैसे अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है भी कि राइस के ऊपर लेके बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे आती रहती हैं। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 3 दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था, काला नमक राइस फेस्टिवल। तो ये काला नमक राइस फेस्टिवल जो है किस डिस्ट्रिक्ट का है आपको ये बताना है, काला नमक राइस फेस्टिवल। तो अगर हम देखें जो काला नमक है ये एक टाइप ऑफ क्या है, राइस है, पैडी है, और यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। यूपी गवर्नमेंट में एक स्कीम चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को यहाँ पे चुना गया है और उस प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि लोगों के बीच में वो ज्यादा लोकप्रिय हो और उसकी डिमांड बढ़े, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो यहाँ पे क्या कर पाए, एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूछा भी जा सकता है, काला नमक राइस फेस्टिवल कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके यूपी के सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखेंगे यूपी के सिद्धार्थ नगर में इसे यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यूपी के सिद्धार्थ नगर में क्या आपका काला नमक राइस फेस्टिवल यहाँ पे बनाया गया। इससे पहले क्या नाम है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल यूपी सरकार ने झांसी में बनाया, जैगरी फेस्टिवल लखनऊ में बनाया। इस तरीके से वो लगातार अपने फेस्टिवल क्रिएट कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ताकि वो हर एक चीज को क्या कर पाए, बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट निकाल पाए। ये है काला नमक राइस फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमें मालूम है कि अभी कोविड की वैक्सीन जो है वो सभी को लग रही है, तो इस साल के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है, क्योंकि ये वैक्सीन तो सभी को लग रही है ना। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है ये कब बनाया जाता है, 16 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च या 30 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे? चलिए तो नेशनल वैक्सीनेशन डे यहाँ पे कब बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है 16 मार्च। कब बनाया जाता है, 16 मार्च को बनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे बना। आगे बात करते हैं, सबसे पहले इसे बनाया गया था 1995 में, क्योंकि इंडिया ने इस दिन से क्या स्टार्ट किया था, पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया। क्या किया था, पल्स पोलियो प्रोग्राम इस्तेमाल किया था, स्टार्ट किया था, और फर्स्ट डोज जो है ओरल पोलियो वैक्सीन की वो यहाँ पे दी गई थी। फर्स्ट पोलियो डोज जो है ओरल वैक्सीन जो है उसकी डोज यहाँ पे दी गई थी 16 मार्च को, ठीक है, और इस तारीख को ही बनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर विच आर्टिकल? तो राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे किस आर्टिकल के अंदर आपकी प्रोटेक्शन दी गई है आपको ये बताना है, राइट टू प्राइवेसी। बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा, काफी ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। आपको बताना है राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। चलिए आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 32 या आर्टिकल नंबर, चलिए किसके अंदर यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को दिया गया है? तो यहाँ पे हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 21 में यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की गई, आर्टिकल नंबर 21। तो व्हाट्सएप ने यहाँ पे अप्रोच किया है हाई कोर्ट को, ठीक है, और जिसमें क्या किया गया है, चैलेंज किया गया है नए आईटी रूल्स को, नए आईटी रूल्स को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। और यहाँ पे व्हाट्सएप की जो 1-to-1 इंक्रिप्शन वाली जो यहाँ पे बात है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली, उसका यहाँ पे थोड़ा सा क्या नाम है, हाई कोर्ट जो था इसके खिलाफ जा रहा था। तो यहाँ पे बात है व्हाट्सएप क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया है और यहाँ पे क्या नाम है, जो नए गवर्नमेंट के रूल्स हैं वहां पे उसके बारे में इसने बात की गई है,
मतलब जो ये रूल्स है इनको यहाँ पे खत्म किया जाए, क्योंकि इससे जो आपके जो मतलब जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उनका जो राइट टू प्राइवेसी है वो यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, वो यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। तो यहाँ पे एक जजमेंट के बारे में बात हमें ध्यान रखनी है कि राइट टू प्राइवेसी आपके किसके अंदर आती है, आर्टिकल 21 के अंदर आती है। ये यहाँ पे के एस पुट्टा स्वामी केस में यहाँ पे कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी बातें थी जो यहाँ पे की गई है। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन से क्या होता है, कोई और आपके डाटा को नहीं चोरी कर सकता, आपकी चैट्स को नहीं देख सकता, तो इससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें लगातार काफी ज्यादा न्यूज में रही, व्हाट्सएप और गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे चलती रही ये सारी बातें। तो एट लास्ट यहाँ पे जाके एक बात आई जो यहाँ पे कोर्ट ने कही कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है। ये तो पहले भी बात कही गई है और गवर्नमेंट भी यहाँ पे यही कह रही है कि कोई भी आपका जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। और ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की यहाँ पे परमिशन किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। बट यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर किसी भी तरीके की ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो वो रिस्ट्रिक्शन आपकी रीजनेबल है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है, ये बात कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है सुप्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है वो रीजनेबल है भी कि नहीं है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, इसी तरीके से ये हिंदी चाहे इंग्लिश हो हर एक अखबार में ये हमेशा देखने को मिलती रही, नई आईटी नियमों पे जो व्हाट्सएप पे आई थी पूरी बात। देखिए लगातार ये यही चलता रहा, हर एक न्यूज में हर एक जगह ये दिखती रही। तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की हम बात करें तो यहाँ पे बात ये है कि राइट टू लेट अलोन, मतलब उसे मतलब अकेले रहने दो भैया, उसे किसी तरीके से परेशान ना करें। तो के एस पुट्टा स्वामी यूनियन केस 2017 में यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट यहाँ पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ध्यान रखना है के एस पुट्टा स्वामी केस जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी और आर्टिकल 21 जो है यहाँ पे उसके अंदर इसे रखा गया, वो भी पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 जो है हमारा, ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बट ये छोटा सा दिखता है बट इसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में काफी ज्यादा बड़ा स्पेयर दिया गया है, बहुत सारी चीज इसके अंदर आती है। तो ये केवल छोटा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी में से एक चीज आपकी राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर दी गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बोडोस आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमंग द नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स इन। तो बोडो जो है यहाँ पे एक सबसे बड़ी आपकी सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है किस नोटिफाइड ट्राइब इन किस स्टेट में, ये आपको बताना है। तो बोडो जो आपकी प्रजाति है, तब जो जनजाति है, ये आपकी किस राज्य की एक क्या है सेपरेट आपकी क्या है लार्जेस्ट सिंगल कम्युनिटी है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड या आसाम, कहाँ की है ये आपको बताना है। देखते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आसाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आसाम हो जाएगा। देखते हैं, तो आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट की बात की है बनाने की, ठीक है, जो वेलफेयर की बात करेगा बीटीआर एरियाज की। ठीक है, तो बोडोलैंड जो डिपार्टमेंट है उसे यहाँ पे बनाया जाएगा, वेलफेयर फॉर बोडोलैंड डिपार्टमेंट, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की क्या करेगा पूरी देखरेख करेगा, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है उसकी पूरी देखरेख करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है कि ये जो बोडो है आसाम में क्या है बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। बात करते हैं तो यहाँ पे इनका बहुत सारा इशू हमेशा से चलता आया है बोडोलैंड को लेके। तो यहाँ पे फर्स्ट बोडो अकॉर्ड हुआ था 1993 में और उसके बाद यहाँ पे बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल की यहाँ पे फॉर्मेशन की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये स्टेटहुड की काफी दिनों से डिमांड यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, लक्षद्वीप जो है उसे मालदीव से कौन सा चैनल सेपरेट करता है। तो लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल जो है आपका सेपरेट करता है। ऐसा आपको ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है पर ध्यान रखिएगा ये पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि लक्षद्वीप किसी वजह से न्यूज में था। तो हमेशा यही होता है कि आपके स्टैटिक का जो पोर्शन होता है, कई बार स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक रह गया। ठीक है, मतलब वो करंट अफेयर में था इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो आपको बताना है लक्षद्वीप और मालदीव्स को कौन आपस में चैनल जो है वो सेपरेट करता है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या फिर आपका यहाँ पे
डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पे लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मालदीव्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे असल में हुआ क्या था, लक्षद्वीप में बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही थी वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, जो लक्षद्वीप को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते थे, इकोलॉजिकल और वहां की कम्युनिटी को, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे लगातार जो वहां के मतलब लोग थे वो लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे कि केरला गवर्नर जो है वो अब इसमें इंटरवीन करें। ठीक है, जो नए रूल्स आए हैं, रेगुलेशन आए हैं, तो उनको यहाँ पे जो रोकने के लिए एक नया क्या नाम है, उन रेगुलेशंस को, रूल्स को रोकने के लिए और लक्षद्वीप को बचाने के लिए, थ्रेट को बचाने के लिए, कल्चर और ट्रेडिशन के लिए केरला के जो गवर्नर हैं वो इंटरवीन करें। तो काफी ज्यादा ये यहाँ पे न्यूज में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये दो मेन पॉइंट कि पूरा लक्षद्वीप जो है उसमें से वो मिनी क्वाय से अलग होता है 9 डिग्री चैनल से, और पूरा लक्षद्वीप पूरा ये पूरा एरिया 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, किससे, मालदीव से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है इंदिरा साहनी केस जजमेंट जो है वो किस ईयर में आया था, ये आपको बताना है। इंदिरा साहनी केस जो जजमेंट है ये किस ईयर में आया था, 1994, 1992, 1995, 2004। ये कुछ भी स्टैटिक नहीं है, सब करंट अफेयर में ही था और सब करंट अफेयर से ही यहाँ पे लिया भी गया, तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको हर चीज पता चलती रहेगी। इंदिरा साहनी केस किस ईयर में आया था, तो इंदिरा साहनी केस की जजमेंट किस ईयर में आई थी, तो इसकी जजमेंट आई थी 1992। आई थी 1992 में इंदिरा साहनी केस की जजमेंट यहाँ पे आई थी, और इसमें कहा क्या गया था, तो किस लिए न्यूज में था, अभी मराठा कम्युनिटी जो है वो एक्स्ट्रा क्या बात कर रही है, अपने कोटा रिजर्वेशन की बात कर रही है, अलग से रिजर्वेशन की बात कर रही है मराठा कम्युनिटी, और इसके ऊपर बहुत सारे एजिटेशन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये हुई है कि अगर ये यहाँ पे हम देखें जो मराठा कम्युनिटी जो मांग कर रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्यों, क्योंकि 1992 के इंदिरा साहनी जजमेंट में यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया था कि जो आपका जो रिजर्वेशन होगा वो एक तो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे होगा, दूसरा 50% जो लिमिट लगाई गई है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मराठा कोटा इस्तेमाल किया जाता है तो 50% जो सीलिंग है वो टूटेगी, और साथ साथ में ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों को यहाँ पे क्या करता है, वायलेट करता है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा इंदिरा साहनी केस जजमेंट आई थी 1992, सबसे बड़ी बात थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं देंगे, तो मैक्सिमम रिजर्वेशन की लिमिट कितनी फिक्स कर दी गई थी, 50% इंदिरा साहनी केस जजमेंट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे किस एनजीटी एक्ट के अंदर बनाया गया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी मतलब कानून के द्वारा बनी गई बॉडी है, तो आपको यहाँ पे बताना है एनजीटी की जो फॉर्मेशन की गई थी वो किस एक्ट के अंदर की गई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर की गई थी, किस ईयर का ये एक्ट है ये आपको बता, 2010 का, 2014 का, 2015 या 2004, एनजीटी एक्ट जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ये किस ईयर में आया था ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे बनाया गया था एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर, इसके अंदर 2010 के अंदर यहाँ पे इसे बनाया गया था, तो एनजीटी एक्ट 2010। अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है काफी चीजें इसके अंदर थी, तो मेगा डेटू जो आपका एक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे एक क्या नाम है डैम का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है कौन, कर्नाटका गवर्नमेंट, तो यहाँ पे किस पे, कावेरी रिवर पे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इसके ऊपर एनवायरमेंटल लिस्ट जो कहें काफी ज्यादा कह रहे थे कि इसके कारण यहाँ पे पूरी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम में हो सकती है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेके यहाँ पे बात चल रही थी, तो एट लास्ट यही न्यूज में था। और यहाँ पे एनजीटी ने क्या किया, एक पैनल स्टैब्लिश किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। एनजीटी को देखते हैं, यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर की फॉर्मेशन हुई थी फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया दुनिया की तीसरी ऐसी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसने यहाँ पे एनजीटी जैसी कोई बॉडी को अपने देश में बनाया है फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, बहुत जल्दी केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी 5 प्लेस है सिटिंग की, न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच है, उसके बाद भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसकी और बेंचेस है। तो ये है पूरी बात एनजीटी के बारे में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नए डायरेक्टर को सीबीआई अपॉइंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है
ये जो आपका आरएएस है, आरएएस के में ये क्वेश्चन बहुत पसंद किए जाते हैं। ठीक है, नए डायरेक्टर कौन बने हैं सीबीआई के? ठीक है, और इन्हें 3 मेंबर की एक कमेटी जो है वो चुनती है, और इन 3 मेंबरों की कमेटी में कौन यहाँ पे नहीं होता आपको ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट। तो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनके लिए कमेटी बैठाई जाती है उसको ढूंढने के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए। उस कमेटी में कौन भाग नहीं लेते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर का ये लगता है कि इन्हें नियुक्त किया गया है नया डायरेक्टर सीबीआई का, और साथ में उसके साथ स्टैटिक जोड़ा गया है कि 3 जो कमेटी के मेंबर हैं उनमें से कौन सा यहाँ पे नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कमेटी के भाग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सुबोध कुमार जायसवाल जी को सीबीआई का नया चीफ बनाया गया है। ठीक है, ये न्यूज में था तो ये आपको ध्यान रखना है, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए चीफ बने, और इनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है, और इसमें 3 मेंबर की बॉडी होती है, कमेटी होती है जो इन्हें खोजती है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई जज जो सुप्रीम कोर्ट का हो, ये 3 पर्सन यहाँ पे एक कमेटी बनती है जो इसे खोजते हैं। फिर तो दिल्ली स्पेशल पावर एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2000 ने यहाँ पे कंपोजिशन जो है इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाया था। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी बात है सीबीआई के बारे में। तो सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं और ये 3 जो हैं इनके अपॉइंटमेंट में करते हैं। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आपको मालूम है सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो बहुत सारे स्टेट्स को भी इससे दिक्कत रहती है क्योंकि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इसका दबदबा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वाड ग्रुप में यहाँ पे इंडिया, यूएसए, जापान के साथ और कौन सी चौथी कंट्री है? तो यहाँ पे क्वाड ग्रुप में चौथी कंट्री कौन सी है? रशिया, चाइना, इसराइल या ऑस्ट्रेलिया, ये आपको बताना है। क्वाड ग्रुप में चौथी कंट्री कौन सी आती है? तो क्वाड ग्रुप में यहाँ पे दोस्तों चौथी कंट्री कौन सी आती है? ऑस्ट्रेलिया आती है। समझते हैं यहाँ पे पूरी बात। जो क्वाड जो है यहाँ पे चाइना के कंसल जनरल हैं, उन्होंने कहा कि क्वाड जो है वो चाइना को टारगेट कर रहा है। तो असल में क्वाड है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे इसलिए इसे बनाया गया है ताकि चाइना को यहाँ पे क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके, इसकी जो डोमिनेंस है इसे कम किया जा सके। तो सेंजो अबे जो है उन्होंने 2007 में ये आइडिया रखा, बाद में ये पूरा का पूरा बना। इसे नाटो, एशिया का नाटो भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चारों कंट्री क्या कर रही है, किसी तरीके से कोलिडेट करके चाइना के डोमिनेंस को इस पूरे एरिया में कम करने का प्रयास कर रही है और एक दूसरे की मदद। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्या नाम है, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।